दशहरे के पावन मौके पर प्राचीन परंपरा कायम रखते हुए गोरखधाम मंदिर से विजय जुलूस निकाला गया। कड़ी सुरक्षा के बीच शोभा यात्रा निकालकर PKCM और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ रामलीला मैदान पहुंचे। यहां उन्होंने श्री राम का राज तिलक किया। आपको बता दें कि हर साल दशहरे के दिन गोरक्ष पीठाधीश्वर रथ पर सवार होकर शोभा यात्रा निकालते हैं, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए CM योगी अपने वाहन से मानसरोवर मंदिर पहुंचे। यहां देवी देवताओं की पूजा करने के बाद रामलीला मैदान पहुंचकर श्री राम को तिलक किया। वही रामलीला मैदान में प्रभु श्री राम का राज तिलक करने के बाद CM योगी ने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हजारों वर्षों पुराने पर्व परंपराओं को अक्षुण रखने की चुनौती थी, लेकिन नागरिकों ने मर्यादाओं में रहकर इस चुनौती का सफलतापूर्वक सामना किया। वही मुख्यमंत्री ने अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के शुभारंभ का जिक्र करते हुए कहा कि मंदिर निर्माण के लिए 492 वर्षों की लड़ाई में गोरखपुर का अटूट संबंध रहा है। गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ और गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेदनाथ के साथ आंदोलन में गोरखपुर के हजारों लोगों ने अयोध्या कूच किया था। पंजाब केसरी TV के लिए गोरखपुर से रुद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट।